ये गाजी बशीर नाम का आदमी जिसने वो गाली गलौज की सम्मानित लोगों को, चाहे बीजेपी की सरकार है वो इतनी बदतमीजी क्यों, और पुलिस की दहशत का माहौल जो बताने जा रहा हूँ, इसे डरना नहीं है, इनका मुकाबला करना है करके। लेकिन गाड़ी के टायरों को पुलिस फाड़ के चली गई, इस मेवात को टारगेट किया जा रहा है। ये कौम इतनी कमजोर नहीं है, ये कौम को लीडरों के जरिए से डराया जा रहा है। लीडर गुलाम हो चुके, एक नीम लगा एक अनपढ़ आदमी गाड़ी रख करके और हमारी कौम को बदनाम करके पूरे लोग ठग लिया। तुम्हारे नेता हो गए ठग और वो हो गए दलाल, करने लगे पुलिस की मुखरी। आज आपके 10 लोग काम करते, 50 लोग पुलिस बंद करते, लेकिन वो कहने वाला नहीं। उसी नहर पर ले जाए, उसका पैर तोड़ दिया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। बुजुर्ग आप सब यहाँ आए, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार। मुद्दे की बात यह है कि आज बीजेपी की सरकार है और इस सरकार के अंदर जो मैंने गहराइयों से देखा है वो ये देखा है कि पूरे राजस्थान प्रदेश में है, और राजस्थान प्रदेश के अंदर इतनी सुख शांति है कि कभी मैंने नहीं देखी। लेकिन अगर कामाऊ नगर को देखा जाए तो नजारा कुछ अलग दिखता है, हर जगह यही सरकार है। लेकिन यहां क्यों और इतनी बदतमीजी क्यों, कल की वारदात है, एक गाड़ी के अंदर ड्रम भरे हुए थे और ड्रम लेकर के गाड़ी कामा से क्रॉस कर रही थी, तो पुलिस वालों ने जिप्सी उसके पीछे लगाई और पुलिस की दहशत का माहौल जो बताने जा रहा हूं, और उस गाड़ी को गेट ब्लॉक के अंदर घुसा दिया और कहीं रिश्तेदारी में खड़ी करके भाग गए। लेकिन गाड़ी के टायरों को पुलिस फाड़ के चली गई, ये बर्बरता देखो, क्या समझते हो इसका दोषी कौन है? आप हम सब, आप लोग एक का तमाशा देखते हो, आप एक दूसरे का साथ नहीं देते हो, ये नहीं मानते हैं बात। आपके साथ क्या होने जा रहा है पता है? अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाए तो मेवात कौन से नंबर पे है? मेवात सबसे नीचे, ठीक है। लेकिन जब चीटिंग बाजी है ये चल रहा है आज, ये और जगह भी चल रहा है, बाकी स्टेटों में भी चल रहा है, बाकी राजस्थान के अंदर कई जिलों में चल रहा है, वो आप सब अखबार का जी देखते हो, सारे पढ़ते हो। तो मैं आप सबके सामने बता देना चाहता हूं कि इस मेवात को टारगेट किया जा रहा है, और आप सबको ये होश नहीं होने दे रहे हैं कि रिकॉर्डली क्रिमिनल आपको कैसे किया जाए। आपका एक बच्चा काम करता है लेकिन 10 बच्चों को पुलिस उठाती है और खेतों में दौड़ा दौड़ा करके आप साथ आपको अपहरण किया जाता है, आपको प्रमाणित किया जाता है ताकि रिकॉर्ड में आप प्रमाण पत्र यह हो साबित हो ये लोग यहां दोषी हैं, ये क्रिमिनल है, ठोर है। उस चीज को आप कैसे रोक पाओगे? वो प्रमाण पत्र आपके सामने, आपसे बड़ा कोई नहीं है, आप सबसे बड़ी सरकार हो, क्या आपके कंधे से कंधे मिलाकर आप काम करोगे? वरना आप लोग एक दूसरे से सिरे रखोगे और ऐसे मंचों से अगर राजनीतिक पेश रखोगे और इन मंचों को राजनीतिक तरीके से आप बहाने का कोशिश करोगे तो विश्वास उठ जाएगा, टूट जाएगा। मैं सबसे पहला विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आप सबके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हूं, लेकिन राजनीति करने के लिए नहीं हूं, ये विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप मुझे राजनीति मत करने देना, मैं तुम्हारा सेवक बनकर काम कर लूंगा, मैं तुम्हारे कंधे से कंधे मिलाकर चल लूंगा, लेकिन राजनीति के लिए अगर ऐसे मंचों को मोड़ दिया गया तो हमारी कड़ी नजर रहेगी, चीजों को ध्यान रखना। सब पहले कई बातें हो चुकी, पहले कई मोड़ आ चुके, उन मोड़ों को हम नहीं देखना चाहते, इससे हमारा समाज बह जाएगा, मामला खराब हो जाएगा। मैं आपने उलेमा और हजरतों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी बात पर हम भरोसा करते हैं, आपकी बातों पर पूरी कौम भरोसा करती है, और हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग अगर इस वीडियो को शक्ति के साथ उठा लोगे तो इनसे अल्लाह ताला पूरी मेवात आपके साथ खड़ी नजर आएगी, विश्वास दिलाता हूं। ये कौम इतनी कमजोर नहीं है, ये कौम को लीडरों के जरिए से डराया जा रहा है। लीडर गुलाम हो चुके और इस गुलामी को दूर करने के लिए आप हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, और एक लीडरशिप को अलग करके एक किसान बन करके एक आम आदमी बन करके हमें काम करना होगा। अगर आप लोगों को इस मेवात को बचाना है, मेवात घिर चुकी है, मेवात चारों तरफ से घिर चुकी, यहाँ आ गए तुम्हारे ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ आ गया बटालियन, यहाँ आ गए बड़े बड़े कैंप, जबकि यहाँ होना चाहिए डेवलपमेंट,
या उनसे फैक्ट्रियां, ये दिल्ली से बहुत नजदीक है, इसकी आवाज कौन उठाएगा? हम आपने एक दूसरे की टांग खींचने का काम कर, मैं गलत तो नहीं कह रहा कहीं, आप हम समझे बना हुआ है कि प्यार प्रेम को दूर करके हम एक दूसरे की टांग खींचने लगे हुए हैं। आज ये भी समाज का ही काम था, एक नीम लगा एक अन पर गवार आदमी गाड़ी रात करके और हमारी कौम को बदनाम करके पूरे लोग ठग लिया। क्या क्या गुनाह कर दिया उन लोगों ने अगर विश्वास उन्हें जता लिया तो? एक हमारे उद्यमों को बदनाम करने के लिए उन लोगों ने ढोंग रचा, उन ढोंगों को रचने के बाद में उन लोगों ने हमारी गरीब कौम को ठग लिया। उसमें अमीर आदमी कोई नहीं है, सब गरीब आदमी, उसके लिए आज तक कोई इकट्ठा होकर के हम आप सब मिलकर चाहते तो उसकी हिम्मत नहीं थी वो इतना काम कर जाए। अकेला अताउल्ला की, अकेला किसी और भाई की हिम्मत नहीं है वो सारे काम करे, उनके साथ भी कुछ जिम्मेदार जुड़े हुए हैं। और आज ठगा महसूस कर रहे हैं लोग, गरीबों को मारा है, जिन लोगों की पूरी जिंदगी की पूंजी 1.5 लाख रुपए की होती है वो भी कर्जदारी करके उन लोगों को ठगा है। रहा मसला इसका, सुबह मोबाइल खोलते हैं, दोपहर को खोलते हैं, कोई एक लड़की बोलती है, कोई लेडीज इतनी बदतमीजी से बात करती है, वो इस चीज को रोकने के लिए समाज आगे नहीं आएगा, कौन आगे आएगा? एक हाजी बशीर नाम का आदमी, जिसने वो गाली गलौज की सम्मानित लोगों को, चाहे वो कैसे भी हो, एक जिम्मेदार परिवारों को, जिसको सीमा नहीं लगी बोलने के लिए कोई राजी नहीं। तो ऐसे लोग अगर इस कौम के अंदर जाहिल लोग इस तरह से बर्बरता करेंगे और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आकर के बदतमीजियां करेंगे और समाज नहीं रोक पाएगा, कौन रोक पाएगा? रोकना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा आप सब। ये बदतमीजियां आप कब तक सहन करोगे? आज तुम्हारी कदर थाने तहसीलों के अंदर क्यों नहीं? तुम्हारे सरपंच, तुम्हारे नेता हो गए ठग और वो हो गए दलाल, वो करने लगे पुलिस की मुखबरी। आप सबके अंदर सबसे पहले मुखबर को छाट कर निकाल दो, मुखबर छाट कर निकल जाएगा तो आपके निर्दोष लोगों कोई नहीं घुसाएगा। आज आपके 10 लोग काम करते हैं, 50 लोगों पुलिस बंद करते हैं, लेकिन वो कहने वाला नहीं। आईजी की टीम का एक रवैया है, ऊपर से जो टीम लगी हुई है, एसपी आईजी की टीम है, वो एक बार किसी भी क्रिमिनल को पकड़ते हैं, उसके साथ एक निर्दोष लोगों को कहीं से उठाया जाता है, नुक्कड़ों से या के रस्ते से कहीं से भी, और उनको उठा करके थाने में दे देते हैं, और थाने में देने के बाद किसी पंच सरपंच की नेता की हिम्मत नहीं उनको छुड़ा ले। सब ऊपर वाले आए थे, वो आईजी साहब की, एसपी साहब की, डीएसपी टीम थी, और वो साहब यहां कर गए, हमारी तो हिम्मत नहीं, हम छोड़ नहीं सकते। जब तक आईजी से आम आदमी मिल नहीं सकता, बड़े अधिकारी कैसे मिल सकते हैं? आप मिल सकते हो क्या? ना, जब तक मुकदम दर्ज हो जाते तो कैसे छाट कर पाए? माननीय आईजी साहब से मैं 1-2-4 बार मिला हूं, हमारे एम जुबैर साहब, चौधरी अकबर साहब जोधपुर, 1-2-4 आदमी और जिम्मेदार श्री राम गुप्ता जी को लेकर के हम वहां मिले, 2-4 बार बातें रखी, और बात रखने के बाद में हम उनसे कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं है कि आप किसी के मकान तोड़वाए हैं, या आपकी पुलिस जबरदस्ती किसी का मकान तोड़ रहे, ये नहीं हो सकता। हम आज आपकी सर्व कर रहे हैं कि आप पवित्र हो, अच्छे हो, हम चाहे तो हाईकोर्ट के दरवाजे देख सकते, सुप्रीम कोर्ट को देख सकते हैं, ये खुलकर हमने कहा। और अब लेवड़ा गांव के जो कार्रवाई हुई, उस गांव तीनों मकानों को निर्दोष लोगों को तोड़ा, जो पीड़ित परिवार से मकान बने और जो मकान जबके बने जब आपके इलेक्शन जन्म नहीं लिया, ये बातें हमने रखी। रहा मसला गांव ही गांव में एक लड़के को पकड़ा, और उस लड़के के घर के सामने सीसीटीवी कैमरा वगैरह सारी चीज लगी हुई है, उस लड़के को पकड़ने के बाद में पुलिस ने उसको क्रिमिनल बना दिया, उसी नहर पर ले जाकर उसका पैर तोड़ दिया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। अभी एक घटना हुई है सामनेर गांव में, एक ऐसे ऐसे को बचाने के लिए पूरी दुनिया लगी, एक पुलिस वाले के खिलाफ आप लोग कुछ करते हो और पूरा अधिकारी नीचे से ऊपर तक एक भेज जाते हैं, एक आम आदमी से कुछ होता है आप लोग कहां से देख लेते हो? ये आपकी मर्जी होगी, ये फैसला आपका होगा। तो मैं तो क्या है, बातें तो बहुत सारी है, पीछे से आदेश ये है कि थोड़ा समय का ज्यादा अभाव है, इसलिए मैं कम समय में अपनी बात पूरी करूंगा। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप लोग ये काम बंद कर दीजिए, ये हमारी गारंटी है, पुलिस अगर तुम्हारा पत्ता भी हिला जाए, तुम्हारा बार बार कर जाए, हम इस निर्वाद को रहने छोड़ दे बोल, लेकिन तुम इन क्रिमिनल कामों को और इसबाजी बंद कर दो, और पुलिस अगर फिर तुम्हें निर्दोष को फंसा के दिखा दे, हमारे यहाँ रहने बंदे तो आप रहना छोड़ देंगे, ये मेरा वादा है, और इंशाअल्लाह ताला आप सब मेरे साथ रहोगे, हम आपके साथ रहेंगे अंदर से मिला करके। ये हरकतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसे डरना नहीं है, इनका मुकाबला करना है करके, और आप तब तक मुकाबला नहीं करोगे जब तक आप एक तो नहीं बनाओगे, ये मुकाबला होने वाला नहीं है।